नमस्कार, जनभावना टाइम्स में मैं आपके साथ पारिजात। बात करते हैं इमरान खान की, क्योंकि ये बात है पाकिस्तान की। कल पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान का जाना लगभग तय हो गया था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि इमरान खान ने कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद इमरान खान के खिलाफ जमकर नारे लगे। गो नियाजी गो के शोर से विपक्ष ने पाकिस्तान में इमरान खान का विरोध बुलंद कर दिया, मगर उसके साथ ही इमरान खान ने पाकिस्तान की जनता के नाम एक भाषण दिया जो शायद उनका आखिरी राजनीतिक प्रधानमंत्री के पद पर आखिरी भाषण था। पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर दो बड़ी बातें कल देखी गई, जिनमें से पहली ये थी कि इमरान खान ने अपने संवैधानिक दायित्व को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अल्पमत में चले जाने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया जो उन्हें देना चाहिए था, पर इमरान ने कुर्सी छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। और उसके बाद जो दूसरी बड़ी बात हुई वो ये कि इमरान ने विपक्ष पर जमकर आरोप लगाए, और जो आरोप लगाए वो काफ़ी संगीन थे। इमरान ने तो अमेरिका को भी नहीं छोड़ा। देश के नाम अपने संबोधन में इमरान खान ने कहा कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश को बाकायदा अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के लोग भी शामिल हैं और पाकिस्तान से बाहर के लोग भी इस साजिश को अंजाम दे रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि मेरी सरकार गिराने के लिए विदेशों से पैसा आ रहा है और इस विदेशी साजिश में पाकिस्तान के लोग बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा, अमेरिका मुझसे नाराज़ है क्योंकि मैं रूस के राष्ट्रपति से मिला था। अपने भाषण में इमरान खान ने यह भी कहा कि परवेज मुशर्रफ अमेरिका के हिमायती थे और नवाज शरीफ भारत के। ये दोनों ही गलत बातें थी जो नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा, मैं आज़ाद विदेश नीति को पसंद करता हूँ। पाकिस्तान की विदेश नीति पाकिस्तान के लोगों के लिए होनी चाहिए। इमरान खान ने कहा कि उनकी सरकार भारत या किसी और देश की विरोधी नहीं है, लेकिन वे किसी के आगे ना खुद झुकेंगे ना पाकिस्तान को झुकने देंगे। इमरान खान की संबोधन में थोड़ी देरी हुई, क्योंकि ये देरी इमरान खान की वजह से हुई। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक बुला ली थी। पाकिस्तान की आवाम को अपना आखिरी संदेश देते हुए दो दिन के पीएम इमरान खान ने कहा कि आज पाकिस्तान के लिए फैसले की घड़ी आ गई है। उन्होंने कहा कि मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे पास दौलत शोहरत सब कुछ है, मुझे आज किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आज का पाकिस्तान मुझसे केवल 5 साल ही तो बड़ा है। मैं मुल्क की आज़ादी के बाद पैदा होने वाले देश की पहली पीढ़ी से ताल्लुक रखता हूँ। इमरान खान का जो भी हो, उनका ख्याल जो भी हो, इमरान खान की जनता उन्हें पसंद करती हो ना करती हो, इमरान खान को पता होना चाहिए कि उनके देश की सेना उन्हें नापसंद करती है। इसलिए शायद अब उनका दो दिन के बाद प्रधानमंत्री के पद पर रहना थोड़ा नामुमकिन सा लगता है। फिर मिलता हूँ ऐसी ही कोई ज़रूरी बात लेकर जनभावना टाइम्स पर। नमस्कार।